नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज हम बताने वाले हैं कि हलवाई जैसे ग्रेवी वाली गोभी की सब्ज़ी बनाते हैं, वो रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो गोभी की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने आधा किलो गोभी लिया है और इसको धोकर मैंने काट लिया था, और अब इनको हम तेल में हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे। गोभी को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो लगभग 2 से 3 मिनट इसको चलाते हुए मैंने गोभी को हल्का फ्राई कर लिया है, और अब गैस को हम बंद कर देंगे और गोभी को हम कढ़ाई से बाहर निकाल देंगे। अब इसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा तेल लेंगे और इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। गर्म होने पर हम जीरा डालकर इसको अच्छे से भून लेंगे, और जीरा भुनने के बाद यहाँ पर मैंने ली है 2 बड़ी साइज़ की प्याज, जिनको मैंने बारीक काट लिया है, और अब इनको हम नॉर्मल गैस में प्याज को हम भून लेंगे। प्याज को हमें जलाना नहीं है, इसलिए गैस को तेज़ ना रखें, बस नॉर्मल गैस रखें और हम इसको चलाते हुए भून लेंगे। और जब हमारी प्याज जो है वो आधी पक जाए तो हमें डालनी है लहसुन और अदरक का पेस्ट, साथ ही 3 कटी हुई हरी मिर्च। और अब इनको हम चलाते हुए सभी चीज़ों को अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हम इन सभी चीज़ों को पका लेंगे। गैस को मीडियम रखें। और अब हमारी जो प्याज है वो अच्छे से भुन चुकी है, तो अब हम यहाँ पर डालेंगे इसमें मसाले। तो हम जब भी मसाले जो हैं हल्दी या मिर्च इसमें डालते हैं तो जल जाती हैं, तो हम ये लेंगे 1 कटोरी और उसमें 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, साथ ही 1 चम्मच सूखा धनिया पाउडर। इन सभी चीज़ों में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करके इनको हम कढ़ाई में डाल देंगे। इससे हमारी जो सब्ज़ी है उसमें बहुत अच्छा कलर आता है और ना ही मसाले जलते हैं। तो इनको डालने के बाद हम इसको लगातार चलाते रहेंगे, और जब तक हमारी जो मसाले हैं वो अच्छे से पक ना जाएं और तेल ना छोड़ दें, तब तक इसको चलाते रहें। तो अब हमारे जो मसाले हैं वो पक चुके हैं, तो अब मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर की प्यूरी। मैंने 2 टमाटर लिए थे, उसको मैंने पीस लिया था और अब इसमें डाल दिया है। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच गरम मसाला, साथ ही हम यहाँ पर डालेंगे 1.5 चम्मच नॉर्मल नमक। और अब इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको कुछ टाइम तक पकने देंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इसको 1 मिनट तक हम पकने देंगे। तो अब हमारे टमाटर की प्यूरी को पकते हुए 1 मिनट हो चुका है, बस हमें इतना ही पकाना है, अब ज़्यादा नहीं पकाएंगे। तो अब हमने जो हल्का फ्राई की थी गोभी को, वो गोभी हम इसमें डाल देंगे। और अब जो हमारी टमाटर की पेस्ट वाली कटोरी थी उसमें थोड़ा सा पानी डाल के वो डाल दिया है, और साथ ही मैंने 1 गिलास पानी और डाल दिया है, तो 1.5 गिलास पानी हो चुका है। और अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो सिर्फ इसमें 1/2 गिलास ही पानी डालें। और अब इसको हम मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद ढक्कन लगाकर इसको हम 15 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे। और 1-2 बार इसको बीच में देख लीजिएगा, अगर इसमें पानी नहीं है तो इसमें हल्का सा पानी और डाल दें और गैस को चलने दें, जब तक कि हमारी जो गोभी है वो अच्छे से पक ना जाए। तो अब हमारी गैस को लगभग 15 से 20 मिनट हो चुके हैं चलते हुए। तो अब हमारी जो गोभी की सब्ज़ी है वो आप देख सकते हैं कि इसमें पानी जो है वो बहुत कम बचा है, और हमारी जो गोभी है वो पक चुकी है। तो अब हमारी जो गोभी की सब्ज़ी है ग्रेवी वाली, वो बनकर तैयार हो चुकी है। तो हमारी ग्रेवी वाली गोभी की सब्ज़ी तो बनकर तैयार है, एक बार आप इसे ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।